नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसी 5 चीजें हैं अगर आप ये घर में रखते हो तो घर में बहुत बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी और वास्तु दोष कम होने में मदद मिलेगी। तो देखते हैं ऐसी कौन सी 5 बातें हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों, ये 5 जो बातें हैं, 5 चीजें वस्तुएं, ये आपको बहुत आसानी से मिलेगी। इसको आपको कोई भी ऐसा नहीं है वस्तु कि आपको नहीं मिलेगी। इसमें जो है क्या होता है, हर व्यक्ति हमेशा ऐसा चाहता है कि घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे, घर में देवताओं का वास हो। इसका मतलब जब भी हम प्रार्थना करें तो हमें आशीर्वाद मिलना चाहिए। इसके लिए व्यक्ति अपने घर में पूजा पाठ के साथ दान पुण्य भी करते हैं, सभी चीजें करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसी कौन सी 5 चीजें हैं जिनको बहुत पवित्र माना जाता है। सबसे पहली चीज है दोस्तों, चंदन। चंदन की छोटी लकड़ी भी अगर आप आपके घर में रखते हो, ये आपको कहीं पर भी मिल जाएगी, यानी कि जो पूजा का सामान जहाँ पे मिलता है उस दुकान में भी मिल जाएगी। तो ये चंदन की लकड़ी अगर आप आपके घर में रखोगे तो इसे बहुत ही पवित्र माना गया है। इसकी महक से वातावरण की जो निगेटिव एनर्जी है वो खत्म हो जाती है और सभी देवी देवताओं की पूजा में चंदन का विशेष महत्व होता है। चंदन का तिलक लगाया जाता है, इसलिए तिलक से मन को शांति मिलती है। चंदन हमेशा घर में रखना चाहिए और पूजा में भी इस्तेमाल करना चाहिए। चंदन आप घर में रखोगे तो ये कहाँ पे रखना है, तो ये है घर की मुख्य दिशाएं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। आप चंदन, आपका जो पूजा घर है अगर नॉर्थ ईस्ट में है तो बहुत बढ़िया है, आप नॉर्थ ईस्ट के किधर ही चंदन यहाँ पर रख सकते हैं, क्योंकि ये जो पॉजिटिव एनर्जी, ये जो सुगंध से इसके एनर्जी क्रिएट करेगा, ये यहाँ के एनर्जी के लिए बहुत अच्छा होता है और यही पे रखना बहुत शुभ माना जाता है। दूसरी चीज जो है दोस्तों, वीणा। वीणा यानी के जो सरस्वती देवी है उनके पास में जो होती है इसको वीणा कहते हैं। बुद्धि और शिक्षा की देवी, इनका प्रिय वाद्य है ये। वीणा अगर घर में रखते हो तो सरस्वती माता की कृपा से सभी सदस्यों के जो बुद्धि का विकास होता है, मुश्किल परिस्थिति में भी आपका धैर्य बना रहता है। ये बुद्धि की देवता होने की वजह से आपको कैसी भी परिस्थिति हो, कितनी भी कठिनाई आए, ये आपकी बुद्धि आपको बहुत अच्छा रास्ता दिखाएगी, आप बहुत अच्छे डिसीजन ले सकोगे। बिना आपको ओरिजिनल लेने का जरूरत नहीं है, आपको इसका प्रतीकात्मक स्वरूप मिलेगा, वो भी आप रखते हैं तो भी चलेगा। जैसे कि बांसुरी होती है उसका प्रतीकात्मक स्वरूप मिलता है, वैसे ही बिना का भी मिलता है। तो ये अगर आप आपके घर में रखते हो तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा दोस्तों आपको। इसके बाद में जो है गाय का घी। गाय का घी जो है ये बहुत पवित्र होता है। घी घर में रखने से इसका नियमित रूप से सेवन भी करना चाहिए और इसकी जो शक्ति हमें मिलती है गाय के घी से, उससे शरीर बहुत ही स्वस्थ, तंदुरुस्त और एक्टिव रहता है, इसलिए गाय का घी खाना चाहिए। घर में रोज सवेरे और शाम में गाय के घी का दीपक जलाना चाहिए। पूजा में घी का बहुत महत्व है, अग्निहोत्र में भी घी का बहुत महत्व है। इस वजह से घी को अनिवार्य रूप से घर में रखना चाहिए, ऐसा माना जाता है। घी का आप सेवन करोगे तो आपकी बहुत बहुत रेजिस्टेंस पावर बढ़ेगी, आपकी तबीयत बहुत अच्छी रहेगी। इसके बाद में जो वस्तु है दोस्तों, ये है शहद। शहद को वास्तु की मान्यता है कि शहद घर में रखने से कई दोष शांत हो जाते हैं। इसके साथ ही पूजा में भी शहद जरूरी होता है, जो हम पंचामृत बनाते हैं उसमें भी शहद बहुत जरूरी है। ये सभी देव देवताओं को अर्पित किया जाता है। जिन घरों में
पूजा की जाती है उन घरों में हमेशा शहद होता ही है और रखना चाहिए। ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करता है और ये बहुत सारे वास्तु दोषों को शांत करता है। और जो हमारे घर में होता ही है जो कि पानी, दोस्तों पानी घर में होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस पानी के कुछ नियम है। ये आप सभी को तो मालूम है, लेकिन मैं जस्ट बताता हूँ कि ये कहाँ पर होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान कोण इस पानी के लिए बहुत अच्छा होता है। यहाँ पर आप बोरवेल ले सकते हो, यहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना सकते हो। अगर ऐसा नहीं है तो आप यहाँ पर तांबे के लोटे में पानी भरकर रखिए या प्लास्टिक की बोतल रखिए। तांबे के कलश में रखना बहुत अच्छा होता है। अगर पॉसिबल ही नहीं है तो आप वाटर बोतल रख सकते हो, लेकिन इस दिशा में पानी होना बहुत जरूरी है। नॉर्थ से लेकर नॉर्थ ईस्ट पूरा यहाँ पर पानी की बहुत आवश्यकता है, तो यहाँ की एनर्जी इनहांस होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो इस वजह से यहाँ पर पानी होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों ये कुछ पांच चीजें हैं, पांच वस्तुएं हैं। अगर आप घर में रखते हो चंदन, वीणा, गाय का घी, शहद और पानी, तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को, इस इन्फॉर्मेशन को आपके दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।